नाम तेरे कर जावा, तेरे सदके पे मैं जावा। वीर बोले मातृभूमि पावा, जा नाम तेरे कर जावा, तेरे सदके पे मैं जावा। वीर बोले मातृभूमि पावा। लाए क्रांति देश की खातिर, जिसे हमको लाना है, शामिल सबको करना है, अब चाहे मर मिट जाना है। बहुत हो गया अब हम ना झेल पाएंगे, दूर हटो वरना हम कुछ तो कर जाएंगे। बहुत हो गया अब हम ना झेल पाएंगे, दूर हटो वरना हम कुछ तो कर जाएंगे। जा नाम तेरे कर जावा, तेरे सदके पे मैं जावा। वीर बोले मातृभूमि पावा, जा नाम तेरे कर जावा, तेरे सदके पे मैं जावा। वीर बोले मातृभूमि पावा। हमसे ना टकराएंगे जब एक हम हो जाएंगे, मिलजुल के जो रहने लगे तो जीत ना हो पाएंगे। रोज रोज रक्त से जो नाता अपना हो गया है, समर भूमि सा देश अपना जाने क्यों हो गया है। होश में हम आ जाएं तो जुर्म ना हो पाएंगे, डर से फिर वो अपने कहीं ना छुप पाएंगे। आवाज लगाओ दिल से, हिंदुस्तान हमारा है, रक्त बहा दे इसके लिए, ये देश हमारा है। जब भी समय ने मांगा तो बलिदान हमने दिया है, गर्व से सर ऊंचा कर ले इस देश में जन्म लिया है। इरादे तोड़ दे दुश्मन के फौलादी सीने से अपने, देश हमारा संपन्न हो हम देखें ऐसे सपने। ममता इतनी पाई है जो औरों ने नहीं पाई है, अपनी मिट्टी माथे का चंदन बात समझ में आई है। वसुधा को कुटुंब बनाया वो देश हमारा है, हो मानवता की रक्षा ये नारा हमारा है। जा नाम तेरे कर जावा, तेरे सदके पे मैं जावा। वीर बोले मातृभूमि पावा। लाए क्रांति देश की खातिर, जिसे हमको लाना है, शामिल सबको करना है, अब चाहे मर मिट जाना है। बहुत हो गया अब हम ना झेल पाएंगे, दूर हटो वरना हम कुछ तो कर जाएंगे। बहुत हो गया अब हम ना झेल पाएंगे, दूर हटो वरना हम कुछ तो कर जाएंगे। जा नाम तेरे कर जावा, तेरे सदके पे मैं जावा। वीर बोले मातृभूमि पावा, जा नाम तेरे कर जावा, तेरे सदके पे मैं जावा। वीर बोले मातृभूमि पावा। हे माँ जगदम्बिके, हम पर दया करो। माँ बाप के नाम के जितना भी बच्चे अपना नाम रोशन करें तो भाग्य है, पर उनके नाम से आगे निकल जाएं तो भाग्यशाली होते हैं, जैसा कि माँ ने हमें बनाया है। माता पिता और गुरु तो देवता होते ही हैं, पर हमारे बेटे अभय सिंह को भी लोग भगवान समझते हैं। वो इंसाफ के साथ चलने वाला नहीं, इंसाफ बनकर चलने वाला है। आज तक तो जन्मभूमि में काम किया, अब वो विदेश में अपना भाग्य आजमाने गया है। आज तक उसने जो भी काम किया उसमें माँ का आशीर्वाद शामिल है। हे ईश्वर परम पिता, मेरे बेटे का हर कदम पर साथ देना। ट्रेनिंग के लिए आई ऑफिसर्स अपने अपने देश जाने को तैयार है? यस सर, सभी अपने अपने देश जाने को तैयार हैं। ओके, जस्ट अ मिनट। हेलो, या ओ माय गॉड, रियली? हमें किसी भी तरह उन्हें बचाना होगा। तुम अलर्ट रहो, ओके? व्हाट हैपेंड सर? हमारे प्राइम मिनिस्टर को मारने के लिए आतंकवादी अंदर घुस आए हैं और बहुत सी जगहों पर उन्होंने बॉम्ब रख दिया है। हम सबको अलर्ट हो जाना चाहिए। ट्रेनिंग के लिए आए पुलिस ऑफिसर्स को मदद के लिए बुलाइए। सभी खास जगहों पर नाकाबंदी कीजिए।
बैकअप देते रहिए. कम ऑन, मेक इट फास्ट. यस सर. फ्रैंकलिन स्पीकिंग, एडिनबर्ग चेक पोस्ट. ठीक है सर, मैं जल्दी वहां पहुंच रहा हूं. या राइट नाउ. मिस्टर अभय सिंह, आज हमारी मीटिंग कैंसिल करनी पड़ेगी. मुझे एडिनबर्ग जाना है. आई विल मीट यू लेटर. ओके. किस देश का पुलिस ऑफिसर हमारे चेक पोस्ट पर आ रहा है सर? इंडियन पुलिस ऑफिसर मिस्टर अभय सिंह आ रहे हैं. आई विल शो यू ऑल डॉक्यूमेंट्स. इट्स ओके. बी अलर्ट एवरीवन, डोंट सिंक वेहिकल्स, फॉलो द चेकर. वेयर इज द इंडियन पुलिस ऑफिसर फील्ड डैगर? बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं. आई ऑलवेज कम ऑन टाइम. ओके सर्च द वेकर. Check the car. Look here, sir. My wife is pregnant. गाड़ी के अंदर अच्छी तरह से चेक करो. Wait, sir. आप समझने की कोशिश कीजिए. मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, वो परेशान है. Okay, go. Sir, wait. I want to check. I will show you. Indian police कैसी होती है मैं आपको दिखाता हूं. Hey!
साबित कर दिया कि इंडियन पुलिस दिमाग और ताकत में बहुत आगे है। लेकिन मिस्टर अभय सिंह, आपने इस आतंकवादी को पहचाना कैसे? Anybody can give protection, लेकिन क्राइम होने से पहले ही रोकने वाला असली पुलिस वाला होता है। इसके लिए जरूरी है दिमाग का इस्तेमाल करना। एक छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ सकती है। लंबा देखने के लिए औरतें हाई हील का इस्तेमाल करती हैं, या स्टाइलिश देखने के लिए। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी औरत हाई हील कभी नहीं पहन सकती। दिमाग का इस्तेमाल करो तो गुनहगार कभी नहीं बचेगा। थैंक यू सर। स्कॉटलैंड यार्ड को आप पर गर्व है। आपने न सिर्फ आतंकवादियों को पकड़ाया बल्कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की जान भी बचाई। तमिलनाडु सरकार के पुलिस अधिकारी ने विदेश में अपनी वीरता का परिचय देकर सम्मान हासिल किया है। आज अभय सिंह की इस कामयाबी को देखकर पूरे भारत को उन पर नाज है। खासकर तमिलनाडु सरकार को बहुत बहुत गर्व है। अभय सिंह ने अपने देश का नाम रोशन किया है। Excuse me, yes, Lufthansa flight has arrived. Yeah, arrived. Thank you. Welcome. ए प्रिया, सेंड ऑफ करते वक्त भी तुम टेंशन में थी, अभी रिसीव करते वक्त भी क्यों टेंशन में दिख रही हो? अब ज्यादा मत बोलो। एक हफ्ते से अंकल मुझसे दूर रहे हैं, ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ है। तुझे क्या मालूम मेरी प्रॉब्लम? देखो अंकल आ गए। अंकल। प्रिया कैसी हो? अच्छी हूँ। और तुम बताओ, तुम भी ठीक हो ना? हाँ तो चलो। सर सर, हम कब से आपका वेट कर रहे हैं, सिर्फ एक इंटरव्यू दे दीजिए। तुम लोग यहीं रुको। हाय, सब लोगों को मेरा नमस्कार। पता होता तो मैं खुद ही आपके पास आ जाता। आज सारी मीडिया में आप ही की हेडलाइन है, पर आप तो बहुत सिंपल दिख रहे हैं। जिंदगी आइसक्रीम की तरह है, पिघलने से पहले से खा लेना चाहिए। नाम रोशन करने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, काम करते रहो, नाम खुद ही रोशन हो जाएगा। सर, लोग कल तक न्यूज देखने का इंतजार नहीं कर पा रहे, आज ही फोन करके आपके बारे में पूछ रहे हैं। जो आपने किया है वो तारीफ के काबिल है, पर सर आप ये बताएंगे कि आप वहाँ पहुँचे कैसे? आईपीएस ऑफिसर की ट्रेनिंग के लिए गया था, वहाँ मैंने अपना फर्ज निभाया, इसमें तारीफ वाली कौन सी बात है? सर आप भी कमाल के हैं, लोग तो तारीफ के लिए मरते हैं और अपनी तारीफ के लिए बड़े बड़े फंक्शंस भी रखा करते हैं। रखने दीजिए, कहते हैं कि तारीफ पसंद नहीं है, लेकिन तारीफ के लिए फंक्शन रखा गया है। पब्लिसिटी नहीं चाहते हैं कहते हैं, लेकिन पब्लिसिटी बटोर रहे हैं। हमारे देश में कई लोग भूख से मर रहे हैं और तारीफ के लिए ऐसे फंक्शन हो रहे हैं। नाम का ढिंढोरा पीटते रहेंगे तो काम कब करेंगे? अगर हमें अपने काम की तरफ ध्यान देना है तो इन सब से दूर रहना होगा। सर आप बोल्ड स्टेटमेंट देते हो, आपको डर नहीं लगता? जिसने तालाब में तैरना सीखा हो उसे नदी डराएगी, जिसने नदी में तैरना सीखा हो उसे समंदर डराएगा, पर समुंदर में तैरने वाले को डूबने का डर नहीं होता। मेरी हिम्मत बिकाऊ चीज नहीं है, इसे कोई नहीं खरीद सकता।
मेरा काम है लोगों की समस्याएं सुलझाना और इसके लिए मुझे किसी की भी परवाह नहीं है। धन्यवाद, चलता हूँ। प्रिया आओ। हमारा बेटा आ गया। नजर न लगे। अरे माँ, पहले से ही सारे गांव की नजर तुझ पर लगी हुई है, अब तो सारी दुनिया की नजर तुझ पर लगी हुई है, नजर न लग जाए। दादी माँ, आप 11वीं बार नजर उतार रही हैं। तू चुप रह, मैं इसकी 100 बार नजर उतारूंगी। तुम दोनों यहाँ खड़े मत रहो, अंदर जाओ, जाओ जल्दी। आज तुम्हारी कामयाबी देखकर मुझे हद से ज्यादा खुशी हो रही है, लेकिन मुझे ये सोचकर थोड़ा डर भी लगता है कि कहीं नजर ना लग जाए। इसे किसी की नजर ना लगे, इसीलिए तो प्रभु इसकी रक्षा करते रहते हैं। बेटा, मैंने एक मन्नत मांगी थी, तेरे आते ही हम लोग कुल देवता के मंदिर में जाएंगे। महेश्वर सृष्टि संहारक है वही ईश्वर, धर्म की रक्षा करने वाले, त्रिनेत्र कहलाने वाले। पापों का नाश करो प्रभु, तुम तेरी शरण में भक्त हैं तेरे, हमको कसम तेरी खानी है, अराजकता भी मिटानी है, शांति स्थापित करनी है, कुर्बानियां भी देनी है, देश की खातिर मर मिट जाना तब कहलाए विरधगिरी। विघ्न तारते पल में विघ्नेश्वर, जगपालक भी है वही ईश्वर, धर्म की रक्षा करने वाले, त्रिनेत्र कहलाने वाले। सबके दिल में बसने वाले, सबके पालन हार है, सबकी कश्ती का ध्यान रखते, सबके खेवन हार है। काल को भी काट फेंके ऐसे देव महेश्वरा, विश्व को गले में थाम लेते, चांद को जटा पे धरा, गंगा उतारी अपनी जटा पे, स्वार्थ किया भगीरथ का पूरा, देवों पे जब संकट आए छोड़े ना उसको भी अधूरा, भगवान से अपने हम भी बदल देंगे तकदीरें, सत्य की खातिर प्राण देंगे, तोड़ भी देंगे हर जंजीरें। शक्ति देते हैं, याद करो दिन रात उन्हें, बस बदले में भक्ति लेते हैं। हमको याद जिन्हें रखना है, क्यों नहीं रखते हम उनको, सृष्टि के जो खेवन हार हैं, भूल क्यों जाते हैं जिनको, भोले भाले देव है जो पल में निवारे दुख सबके, शंकर को जो ध्यान में रखते रहते हैं प्रकोप से बच के, उनकी शक्ति से संबल लेके दुष्टों के हम पांव खड़े, फिर न कभी कोशिश कर पाए हम उनको ऐसे पछाड़े। मंगल करते देव
महेश्वर सृष्टि सहारक है वही ईश्वर, विघ्न तारते पल में विघ्नेश्वर, जगपालक भी है वही ईश्वर, धर्म की रक्षा करने वाले, असुरों के प्राण हरने वाले, तांडव नृत्य भी करने वाले, त्रिनेत्र कहलाने वाले, पापों का नाश करो प्रभु तुम, तेरी शरण में भक्त है तेरे, हमको कसम तेरी खानी है, अराजकता भी मिटानी है, शांति स्थापित करनी है, कुर्बानियां भी देनी है, देश की खातिर मर मिट जाना तब कहलाए विरधगिरी। हिंदुस्तान के आप एक बहुत ही खास पुलिस ऑफिसर हैं। आप जानते हैं आपको यहाँ क्यों बुलाया गया है? हमारे सामने एक क्रिटिकल सिचुएशन आ गई है। हाई कमान ने उस केस की सीडी हमारे पास भेजी है। आप इसे देखिए और अपनी राय हमें बताइए। अभी जो आपने यहाँ पर देखा वो इंडिया से बाहर पढ़ने गए छात्रों की सिचुएशन है और हालात दिन पर दिन बिगड़ते ही जा रहे हैं। इस तरह की घटनाएं हमें कभी सहन नहीं करनी चाहिए। शांति की तलाश में बाहर के लोग इंडिया में आते हैं, लेकिन जब हमारे लोग बाहर जाते हैं तो उनकी ये हालत होती है। ये तो ठीक है, पर स्टूडेंट्स के खिलाफ ही क्यों? एक बच्चे की वजह से एक परिवार का फ्यूचर बनता है और स्टूडेंट्स की वजह से एक देश का फ्यूचर बनता है। इन घटनाओं से पता चलता है कि ये सारी घटनाएं इसलिए की जा रही हैं ताकि हमारे देश का फ्यूचर बिगड़ जाए। खासकर हमारे स्टूडेंट्स को ही क्यों टारगेट करते हैं? वो हमारे स्टूडेंट्स का मुकाबला नहीं कर पाते। यहाँ के स्टूडेंट्स बहुत तेज हैं और उनकी इसी जलन की वजह से ये सब किया जा रहा है। और भारत की लड़कियों को क्यों बेइज्जत किया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहते हैं? क्योंकि यहाँ की लड़कियाँ बहुत ही दिमाग वाली होती हैं और खूबसूरत भी। आप अपने देश के स्टूडेंट्स को अच्छा मानते हैं, ये ठीक है, लेकिन यहाँ हो रहे झगड़े को देखकर ऐसा लगता है कि गलती हमारी ही है। मुझे इसका पूरा भरोसा है सर कि हमारे स्टूडेंट्स कहीं भी रहें कभी कोई गलती नहीं करेंगे। आपके भरोसे से ज्यादा मुझे उनकी जान की परवाह, क्या हम उन्हें वापस बुला लें? हमारे स्टूडेंट्स दूसरों से डरने वाले नहीं बल्कि अपनी नजरों से डराने वाले होते सर। उनके शरीर में दौड़ने वाला खून भले ही ए ग्रुप या बी ग्रुप का हो सकता है, पर उनकी सोच का ग्रुप एक ही ग्रुप होता है सर। समुंदर की लहरें कम हो सकती है सर, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स के हौसले कभी कम नहीं हो सकते। और मेरी नजर में कोई भी इंडियन कभी कोई गलती नहीं कर सकता। हमारे स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे सकें इसके लिए हमें उनकी मदद करनी चाहिए सर। इंडियंस पर हमला करने वाले एक एक बदमाश को ढूंढकर उसे सजा देनी चाहिए। हम बता देंगे कि हम भी किसी से कम नहीं। राइट, मुझे आप पर पूरा भरोसा है मिस्टर अभय सिंह। ओके ऑफिसर्स, हम इनकी राय को होम मिनिस्ट्री में भेजेंगे और वहां से जवाब आने के बाद आप में से कुछ ऑफिसर्स को वहां जाना पड़ेगा। ये ड्रेस बहुत अच्छी है, ये तुम पर बहुत अच्छी लगेगी, ले लो प्रिया। आप जो भी सिलेक्ट करके देते हैं वो बहुत अच्छा होता है। आपसे अच्छा मेरी चॉइस को और कौन जान सकता है? वो तुझे कुछ भी लाकर देगा तो पसंद करेगी। फिर तो हम उसे ही तेरी शादी के लिए लड़का ढूंढने के लिए कहेंगे। ठीक है। मेरे पापा के मरने के बाद मैं अनाथ ही हो गई थी। अंकल मेरे गार्डियन बन गए। वो सिर्फ मेरे गार्डियन नहीं है, गॉडफादर भी है। ये इतनी आवाज कर रही है कि ऊपर तक आवाज सुनाई पड़ रही है, इस तरह धंधा कैसे चलेगा? ये हमारी बात नहीं मान रही। तुम लोग एक औरत नहीं संभाल सकते? इसको संभालने के लिए हजार लोग चाहिए क्या? अरे ये तो मर गई। ए, टांग दो इसे। खींचो, उठाओ।
गाय या भैंस गुम हो जाए तो लोग उसे ढूंढते हैं, पर अगर छक्के गुम हो जाए तो उन्हें कौन ढूंढेगा। बस अब तुम लोग इन्हीं तरह के लोगों को ढूंढना शुरू कर दो, पर किसी को हम पर शक नहीं होना चाहिए। मैंने ब्रोकर आज से बात कर ली है, मेरे जन्मदिन में वो छक्कों को भेजेगा। ठीक है, अब अपना काम संभाल कर करो, ज्यादा आवाज नहीं करना, मैं ऊपर जा रहा हूँ धंधा संभालने, समझ गए? ए, सब लोग बराबर काम करो, फालतू में खड़े नहीं रहना, समझे? ए राजू भाई के भेजे में छक्के आ गए। ए तेरा नाम क्या रे? मेरा नाम पप्पी है। तो फिर इसका नाम तो कुल्फी होगा ना? शुरू हो गया तू। सुनो, तुम लोग हमारे साहब जी के जन्मदिन में आए हो, आज से तुम लोगों की जिंदगी का दुख दूर, नाचो गाओ धूम मचाओ। दिल का सौदा करना है, हिसाब चुकाएंगे हम, इश्क की तगड़ी लेके तू तोल तोल के देखना, घाटा होने देंगे नहीं, नफा दिखाएंगे हम, प्यार की रिजारत में तू सौदा करके देखना। है पल पल छलती जो सूरत, मन को दिल में बसा लूं मैं उसको, हाँ इसको चलना मत बोलो तुम जब मुझ पे मरते हो, प्यार का नजराना सबको ही प्यारा। दिल का सौदा करना है, हिसाब चुकाएंगे हम, इश्क की तगड़ी लेके तू तोल तोल के देखना। हाँ चाहत के स्वाद चख ले, को भी तो साथ में तेरे, जब तू कह देगी मुझको इशारों में हाँ, साथ दिलों के जो करना है वो कर ले अब हम तुम, हम तुम प्यार का रिश्ता प्यारा है, रिश्ता ये निभा ले हम तुम, हम तुम मित बनाए है कई सारे, पर अब तक नहीं मिला वो जो मेरा जीवन साथी बन जाए। सोचो ना अब तुम, मैंने तेरे बारे में सब कुछ सोचा, दिल में सजा के मैं रख लूंगा तुझे, मलिका तू है दिल की, परियों से समझूं तुझको मैं भी, चाहत दिल की ये पाना तुझे, आने वाला पल अब अपना है इसमें खो जाएं हम तुम मोल भाव कर दिल के, हम भी लेन देन करें हम तुम कीमत इसकी क्या कोई लगाएगा, बेमोल भाव इसके बस में नहीं जो मोल चुका पाए, हाँ इसको चलना मत बोलो तुम जब मुझ पे मरते हो, है पल पल छलती जो सूरत, मन को दिल में बसा लूं मैं उसको, है ये प्यार का नजराना सबको ही प्यारा। दिल का सौदा करना है, हिसाब चुकाएंगे हम, इश्क की तगड़ी लेके तू तोल तोल के देखना। बोलो मेरी प्यारी, आप ही ना सुबह सुबह बिना बताए चले गए। अगर मैं तेरे साथ ही सोया रहता तो मेरी बीवी मुझ पर मुकदमा कर देती ना डार्लिंग। सुबह परिवार की याद आती है और शाम होते ही मेरी याद आने लगती है। ठीक है, आते वक्त मेरे लिए टीवी लेते आना।
तू भी तोते की तरह एक ही बात को रटते रहती है। तेरी इसी आवाज के लिए तो मैं तेरे तलवे चाटते रहता हूँ। गवर्नमेंट के इस कसाई खाने को खोले हुए 2 घंटे हो गए, बकरा तो छोड़ कोई कबूतर भी नहीं आया। जैसे ही कोई बड़ा बकरा आएगा तेरा टीवी आ जाएगा। मैंने मांगा था बकरा और आ रहा है छक्का। क्या कर रही है? मेरी पप्पी 4 दिन से गुम हो गई है। तुमने ठीक से ढूंढा क्या? अच्छी तरह से ढूंढा है सर। एक तो तुम लोग घुमा देते हो और ऊपर से पुलिस को ढूंढने के लिए कहते रहते हो। सर प्लीज सर थोड़ी दया करो सर। अरे मैं थोड़ी क्या, पूरी दया करूंगा। तू इधर आके बैठ तो सही। अच्छा ये बता, तेरी पप्पी बंधी हुई थी या किसी और के साथ गलियों में घूम रही थी? सर पप्पी मेरी बहन है सर। बहन थी तब तो खूबसूरत होगी। वो तेरी सगी बहन थी क्या? सर मेरी सारी बहनों में से मैं ही अलग थी, इसलिए मुझे घर वालों ने निकाल दिया। यहाँ आ गई ना? नहीं सर, मैं मरने की कोशिश कर रही थी उसी समय, जिसने मुझे बचाया वही मेरी बहन पप्पी थी सर। वो तो ठीक है, लेकिन तेरा एड्रेस तो बता। उस पेपर में लिखा है सर। उस पेपर में लिखूंगा तो मिट भी सकता है, मेरे सीने पर लिख देना डार्लिंग। सर आप किसी तरह मेरी बहन को ढूंढ लीजिए। उसके लिए गांधी जी का पेपर चाहिए डार्लिंग। सर ये आप क्या कर रहे हैं सर? नहीं समझी? जैसे इलेक्शन में भगवान की तस्वीर की जगह गांधी की तस्वीर बटती है ना, वैसे मुझे भी गांधी की तस्वीर चाहिए। ये भी हर वक्त मेरी जासूसी ही करती रहती है। हेलो, अच्छा खासा काम बिगाड़ दिया। 35 इंच की टीवी चाहिए। फोन रख, शाम को लेकर आऊंगा। ओ शिट, अच्छा खासा उसको पटा रहा था, बीच में फोन आकर काम बिगाड़ दिया। विदेश में पढ़ने गए हमारे स्टूडेंट्स की हालत बहुत ज्यादा खराब है। वी शुड टेक एक्शन। वो सारी फाइलें हैं ना? साहब जी मेरी मदद कीजिए। डीजीपी ऑफिस है, तुम यहाँ तक कैसे आ गए? ये गैर कानूनी है, तुझे समझाया ना? यहाँ खड़ा होना मना है। चलो निकलो यहाँ से, चलो जाओ उधर, यहाँ बड़े ऑफिसर आने वाले हैं। साहब जी मेरी मदद कीजिए। कितनी बार समझाओ, चल निकल यहाँ से, निकल। जितनी बार समझाओ उतना ही तंग करते हैं, निकलो। पेरेंट्स की कितनी कंप्लेंट्स आई है देखो। समस्या विदेशों में हो रही है और यहाँ परेशानी हमारी बढ़ रही है। तो मैं मुझे आदमी बनाना चाहिए था या तो औरत? तुमने मुझे बीच का बना के रख दिया, ये क्या किया? मुझे ऐसा बनाने के लिए मैंने तुमसे मन्नत तो नहीं मांगी थी? तुम भगवान नहीं पत्थर हो, तुम्हें तो अपने साथ इन पत्थरों की जरूरत है। फिर मुझे इस दुनिया में क्यों अकेला छोड़ा? तेरे साथ ये पत्थर नहीं होंगे तो तुझे पता चलेगा कि मेरी तकलीफ क्या है। अब तुझे इस सिंदूर, इस हल्दी की भी क्या जरूरत है? मैं तुझे इस दुनिया में अकेला करके छोड़ूंगी, नहीं तो मुझे मेरी दीदी ला के दे, तुझे ला के देना ही होगा। कौन हो तुम? क्या परेशानी है तुम्हें? देवी माता के साथ झगड़ा क्यों कर रही? पुलिस वालों से झगड़ा करने की मेरी ताकत नहीं है, इसीलिए इंसानियत को भुला देने वाली इस बहरी माँ पे चिल्ला रही हूँ साहब जी। मैं इसीलिए रो रही हूँ क्योंकि मेरी प्यारी बहन खो गई है साहब जी। पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की थी? मैं गई थी पर उन्होंने दर्ज नहीं किया। चिंता मत करो, अंकल को सारी बात बताओ। हमारे पास पैसा नहीं था सर, फिर भी हम शांति से जी रहे थे। सारे रिश्तेदारों ने हमें छोड़ दिया, फिर भी हम खुशी से ही जी रहे थे सर। एक एक करके काम करने गई हमारी बहनें वापस नहीं आई सर। जब मैं पुलिस स्टेशन कंप्लेन करने गई तो वहाँ मुझसे गलत काम करने की कोशिश की गई सर। मैं न्यूज देने के लिए न्यूज़पेपर ऑफिस गई पर वहाँ भी लोगों ने मुझे भगा दिया सर। मैं वापस पुलिस स्टेशन गई लेकिन वहाँ भी मुझे मार के भगा दिया सर। यहाँ किसी ने मेरी मदद नहीं की, एक आप ही है जिस पर मेरी उम्मीद टिकी है सर। अरे बाप रे, अभय सिंह सर। सर 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 सर। ए शांति रखना, सांसें क्यों उखी हुई है तेरी? सर आप अपनी सांस संभालिए, अभय सिंह सर आ रहे हैं। अरे चांडालिन, मैंने तुझसे गांधी की फोटो मांगी थी, तूने तो साक्षात यमराज को भेज दिया। ये तो सवाल पर सवाल करके मेरी जान खा जाएगा। ठीक है थोड़ा 19-20 जवाब देकर निकल जाऊंगा। सर सर आपने क्यों तकलीफ की सर? इंसाफ मांगने आया हूँ। आप आएंगे तो इंसाफ मांगने ही आएंगे, ये सब लोग जानते हैं सर। इस लड़की ने जो कंप्लेंट की थी उसे दर्ज क्यों नहीं किया? उस लड़की ने कोई कंप्लेंट नहीं की थी सर। उसकी नहीं, इस लड़की की बात कर रहे हैं। ये छक्का सर, इसकी बात कर रहे हैं। सॉरी सर, सच बोल रहा हूँ सर। साफ साफ कहो।
साफ बात है सर, यही करते हैं, गली गली में घूमकर भीख मांगते हैं। इज्जत से बात नहीं कर सकते सर? मुझे आपकी इज्जत की पड़ी हुई है सर। आपने इस देश के बड़े बड़े नेताओं को हिला कर रख दिया है सर। इन छक्कों के केस में आप कहाँ पड़ गए हैं सर? सॉरी सर, आप ही महान ऑफिसर हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं सर, बाकी कोई इनके बीच में नहीं पड़ता है सर। तुम लोग उनमें से हो जो पैसे वालों का साथ देते हैं, और मैं उनका साथ देता हूँ जिनका कोई नहीं है। बार बार कह रहे हो कि उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन इनके पास सच्चाई और ईमानदारी है, और वो भी हम लोगों से कहीं बहुत ज्यादा। इनके पास पैसा भले ना हो, लेकिन ये किसी का बटुआ तो नहीं मारते। हाँ, अगर कोई फंस जाता है तो पूरा ही लूट कर छोड़ते हैं। सर आप इन लोगों के बारे में अच्छी तरह नहीं जानते सर। बड़े बड़े मॉल्स में खरीदारी के बहाने जाते हैं और कपड़े गहने चुरा कर भाग जाते हैं सर। आए दिन इनकी कंप्लेंट्स आते रहते हैं सर। मुंबई में बड़े बड़े फ्लैट्स खरीदकर भाड़े पर दिए हुए हैं सर। तुमने इसकी कंप्लेंट क्यों नहीं दर्ज की? इस देश में नेता लोग बड़े बड़े घोटाले करते हैं सर। आए दिन नेता लोगों की वजह से कई दंगे होते हैं, इसकी कंप्लेंट कौन लिखता है सर? शट अप, इसका जवाब भी वक्त आने पर मिल जाएगा। अभी तो ये बताओ कि तुमने इसकी कंप्लेंट क्यों नहीं दर्ज की? अगर कोई वास्तव में गुम हो जाए तो उसकी कंप्लेंट लिख भी लूं सर। ये लोग झूठ मूठ की कंप्लेंट लिखवाते हैं, कानून इनकी हेल्प कैसे कर सकता है सर? ये किसने कहा तुमसे? अगर कोई कंप्लेंट करने आता है तो जरूर उसे कोई ना कोई बड़ी परेशानी होगी। हमेशा अपना फायदा मत सोचा करो। पुलिस आम आदमी की दोस्त है। ये बात सिर्फ अवार्ड फंक्शन में बोलने के लिए नहीं होती है, साबित करके दिखाना होता है। मंत्री लोग और आप कभी एक दिन भी फॉलो करते हैं इसे? करना तो दूर, कभी इसके बारे में सोचते भी हैं? तो मुझे अच्छी तरह जानते हो, मैं तो उन लोगों में से हूँ जो कब्र में से मुर्दे को उठाकर उससे भी सच उगलवा सकता है। अरे साहब, मैं माल को आपके घर पहुंचाने की सोच रहा था, पर आपके औरत को दूं या रखेल को दूं ये सोच कर कंफ्यूज हो गया। चंडाल चल भाग यहां से, इसलिए पैसा लेकर सीधे आपके पास आ गया। सुनिए सर, मैं अपनी बात का पक्का हूं, इसलिए पैसों की लालच नहीं करता। ये ले लीजिए। ये कमीना लाइव टेलीकास्ट करने पर तुला हुआ है। ये गिन कर अपना हिस्सा रख लीजिए। आप अपने हिस्से से मतलब रखिए, हमें धंधा करने दीजिए। आज तो ये मुझे फंसा कर ही रहेगा, बच नहीं पाऊंगा लगता है। अरे इनकी मार से ज्यादा तो आप घूर रहे हो ना, उसका डर लगता है। जल्दी। अरे सर मत मारो, बताता हूँ। सर सिटी जंक्शन रोड तक हम लोगों ने छक्कों को छोड़ा, उसके बाद उस मालिक की लॉरी आई और वो छक्कों को कहाँ ले गई ये नहीं पता, बस इतना ही जानता हूँ सर। लॉरी के मालिक का नाम क्या है? बन्ने सिंह सिसोदिया। क्यों रे, मुझे गुस्सा क्यों दिला रहा है? तुझे नमक की बोरी लाने के लिए कहा था, लेकिन तू दाल की बोरी क्यों लेकर आ गया? चल भाग यहाँ से, भाग। जरा सुनो भाई, इस गांव की कैसी परंपरा है, चारों तरफ नमक की बोरियां दिखाई दे रही हैं। ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। शरीर में कोई भी कष्ट हो, कोई भी बीमारी हो, तो इस देवी से मन्नत मांगकर लोग मंदिर में नमक चढ़ाते हैं और ठीक हो जाते हैं। साहब जी, आप तो देखने में सरकारी अफसर लगते हैं। कुछ दिन में देखना साहब सरकार पे भी राज करते दिखेंगे। साहब हमारे गांव में सिर्फ पाइपलाइन बिछी है, लेकिन उसमें पानी नहीं है। हमारे गांव की औरतों को बहुत तकलीफ होती है साहब। पैसा लेकर वोट दिया है ना, तो सिर्फ पाइपलाइन ही रहेगा। मुझे बोलने क्यों नहीं देते सर? सुनिए भाई, आपके गाँव में इन सब कामों के लिए कोई सरपंच या पंचायत नहीं? ये देखिए साहब, इसने किसी भी भले काम के लिए नमक की दुकान नहीं खोली है। ये दिखने में कुछ और असल में कुछ और है सर। यह खून का टीका मेरे लिए है, और यह सिंदूर का टीका गांव के लिए है। नमक की दुकान गांव के लिए है, और मेरे लिए मटन की दुकान। ए, क्या कर रहा है? सब कुछ उल्टा सुल्टा पड़ा है, सबको ठीक कर। ठीक है साहब। अरे आइए 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 सर, हमारी दुकान से नमक लीजिए, आपकी सारी खुजली ठीक हो जाएगी। यहाँ आने के बाद खुजली को ज्यादा बढ़ गई है। ऐसी भी खुजली हो भाई ठीक कर देगा। तुम्हें ठीक करने की जरूरत नहीं है, ठीक करने के लिए साहब आ गए हैं। चुप रहो। जी मेरा नाम अभय सिंह। अरे आपको तो पूरा देश जानता है साहब। आपको जानने के लिए ही ये यहाँ आए हैं। मुंबई के आतंकवादी हो या कश्मीर के आतंकवादी, आपने तो सभी को पकड़ा है, और तो और स्कॉटलैंड में भी आपने नाम कमाया है सर। सर बच्चों का नाम माँ बाप बहुत सोच समझ कर रखते हैं। अभय सिंह, अरे आपके नाम से ही वीरता झलकती है। इसे तो आपकी जन्म कुंडली मालूम है सर, लगता है आप ही इस देश की पुलिस की पहचान है सर। अरे हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा आपको जानता है सर, आपने लोगों का बहुत भला किया है सर। ए, रुक रे, रुक, क्या कर रहा है तू?
उससे पूछ रहा हूँ यहाँ खड्डा क्यों खोद रहा है। भाई साहब मैं बगल वाले गांव का हूँ, त्योहार में अपनी दुकान डालने आया हूँ। मैं बीवी बच्चे वाला हूँ भाई साहब। सिर्फ चार दिन के लिए? अभी चार दिन कह रही है, फिर चार महीना और ऐसे ही चार साल निकाल देगी। ये बोर्ड नहीं दिखता क्या? हम बहुत गरीब हैं, हमें पैसे की तंगी है, हम पर दया कीजिए साहब। ये सरकारी जमीन है, तुम लोग ऐसे घेरोगे तो फिर जवाब कौन देगा? एक फावड़ा कुलाड़ी लेके आया और दुकान डालेगा। चल यहाँ से, चल भाग, बोला ना चल जा। आ गए दुकान डालने। अगर इनकी औलाद फिल्म बनाए तो कहीं भी सीडी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसमें इनका इंटरेस्ट है। और दूसरा कोई फिल्म बनाए तो सीडी क्या टीवी में ही दिखा देते हैं। क्या इंसाफ है। कोई बात नहीं, मुझे क्या, मुझे तो रिश्वत से मतलब है। अरे ये भी वक्त की नजाकत नहीं समझता। हाँ बोलो। ए, मुझे तुरंत 5 लाख रुपए चाहिए, बीवी को लेकर फॉरेन ट्रिप पर जाना है, वरना वो मुझे घर में ही नहीं आने देगी भाई। अरे तुम बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? IBCBI सबकी आंखों में धूल झोंक कर मैं धंधा करता हूँ, तुमको रिश्वत देने के बावजूद भी ह्यूमन पार्ट्स बेचने का धंधा मैं डर कर करता हूँ। अरे यार मैं तुझे बचाने के लिए बैठा हूँ ना, मुझसे पहले तेरे पास CBI IBI आ सकती है क्या? ए भाई तू सिर्फ चोरी करना जानता है, लेकिन उसे छुपाने का काम तो मुझे पता है ना। अच्छा ठीक है, अब ये बताओ तुम्हें चाहिए क्या? और क्या, 5 लाख भेज देना यार। यहाँ जो भी हिजड़े गायब हुए हैं उनका जरूर इस गांव से कोई ना कोई संबंध है। पता लगाना होगा इस गांव में क्या रहस्य छुपा हुआ है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, आप किसे भेजकर पता लगाएंगे? तुम्हें भेजकर। मुझे भेजकर? सलमा। कौन है रे? ए, मैं हूँ। हाँ बोलिए सर। ए, मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही? आपकी आवाज तो दिल्ली तक सुनाई देती है, तो मुझे क्यों नहीं देगी सर? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम? चलो मेरे रूम पर चलते हैं। सर गुंडे लोग मेरी जवानी पर नजर डाल रहे हैं, मुझे बुरा लग रहा है सर। ए, मेरी नजर तुम पर है, तुम गले में कैमरा डाल के आराम से बढ़ती रहो। ईश्वर। हाँ भाई। अपने इलाके में कोई लड़की का हुलिया बनाकर आया। हाँ भाई। हमेशा की तरह उसे अंडरग्राउंड में ले जाकर टुकड़े टुकड़े कर दो। ठीक है भाई। अरे जल्दी जाओ। अभी निपटाता हूँ भाई। सर बंगले में कोई नहीं है सर। ए, साले लड़की का हुलिया बनाकर हमारे यहाँ जा सकता है? चल तुझे अभी बताता हूँ। सर मुझे ये किसी बिल्डिंग के अंडरग्राउंड में ले जा रहे हैं सर, बताइए सर। ए, मुझे कहाँ ले जा रहे हैं तू? सर मेरी जवानी खतरे में है सर। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, चल।
आवाज मत करो। सर आवाज नहीं करने के लिए मुंह में गम चिपका दिया है सर। कोई भी आवाज मत करना, चलो आओ। चलो चलो, ए तुम लोग आवाज नहीं करना, हम लोग पुलिस हैं। ये नीचे से आवाज कैसे आ रही है, चलो चल के देखते हैं। सिंह जी आज तो मेरे भागी जाग गए। जब आप मंदिर में पूजा करने आए थे तभी मैं समझ गया था कि आप बिना मतलब के यहाँ आएंगे नहीं और मतलब पूरा किए बिना जाएंगे नहीं। मैं सही कह रहा हूँ ना सर? अच्छा ये बताओ सर, आप केस के सिलसिले में आए हो ना? हाँ बिल्कुल। क्या केस है सर, कोई क्राइम है क्या? आपको कैसे पता चला कि ये क्राइम है? अभय सिंह बिना क्राइम के कोई इंक्वायरी नहीं करता है सर। अब ये बात तो सिर्फ मैं ही नहीं जानता सर, पूरा देश जानता है। यमदूत से बच सकता है पर अभय सिंह से किसी गुनहगार का बचना बिल्कुल असंभव है। ऐसा तो आज तक नहीं हुआ सर। अरे लेकिन हमारे एरिया में ऐसा क्या क्राइम हुआ, मुझे बताइए सर, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। आपके गांव में आने के बाद 16 हिजड़े गायब हुए हैं। क्या हिजड़ों का केस है? सर आप क्यों मजाक कर रहे हैं? फिर तो आप उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते होंगे, मैं सही कह रहा हूँ ना? कैसी बात कर रहे हैं सर, अब ये मत कह दीजिएगा कि उनके गायब होने में मेरा हाथ है। मैं भी तो तुमसे यही कह रहा हूँ। अरे वाह, आप तो मुझे खामखा फंसा रहे हैं। अरे ये तो पूरा गांव जानता है कि मैं नमक की बोरी खरीद कर नमक बेचकर अपनी जिंदगी काटता हूँ। क्या सर? गांव के लिए नमक की दुकान और मटन की दुकान तुम्हारे लिए। नमक की दुकान गांव के लिए और मटन की दुकान मेरे लिए। अभय सिंह! अरे पापी, डिपार्टमेंट से कोई आए तो इन्फॉर्म करने के लिए कहा था ना, लेकिन तूने तो पूरा का पूरा खोल के दिखा दिया बे। ठीक है, मैं इसे संभालता हूँ। आइए राजाधिराज महाराज महानायक 1008 श्री अभय सिंह जी, आइए आइए सर। मुझे राजा की उपाधि दे रहे हो, लेकिन लग तो तुम ही रहे हो। पुलिस वाले हमेशा ड्यूटी करते करते मरते रहते हैं और बड़े लोग हमेशा फंक्शन करते रहते हैं सर। उनकी सुरक्षा का बंदोबस्त करने में हमें दिन भर धूप में खड़ा रहना पड़ता है, हमारी जान निकल जाती है सर। इसीलिए कभी कभार यहाँ आकर हम लोग थोड़ी मस्ती कर लेते हैं ताकि पुलिस वाले मुस्तैदी से ड्यूटी कर सके। सर आप भी आकर थोड़ी मस्ती कर लीजिए ना सर, बहुत सुंदर लड़कियाँ हैं। सर मेरा पार्टनर देखने में रावण है लेकिन सेवा करने में राम जैसा है सर। मैं इंस्पेक्टर हूँ फिर भी इतनी सुंदर लड़कियाँ दे रहा है। आप तो DGP हैं सर, आपके लिए तो एकदम फ्रेश माल ला कर देगा सर। ए, एक पुलिस वाले होकर हत्यारे का सपोर्ट कर रहे हो तुम? जुबान संभाल कर बात करो, मैं क्या पुलिस की बुद्धि को नहीं जानता? कत्ल को खुदकुशी साबित कर दोगे और खुदकुशी को कत्ल। जितने केस आपने सॉल्व किए उससे ज्यादा छोड़े हैं। हाल ही में हुए नाडियाड में 2 कत्ल के केस में कातिल कौन है ये सभी को पता था, पर अधिकारियों के दबाव में आकर आपने उन्हें छोड़ दिया। अब बताइए उस वक्त आपका जमीर कहाँ था? ए, तो जिनकी बात कर रहा है वो राजनीतिक पुलिस है। आज जिनका राज है उनका साथ दे रही है, कल विपक्ष का राज होगा तो उसका साथ देगी। पर मैं किसी का गुलाम नहीं, मैं सिर्फ वर्दी का साथ देता हूँ। ए, मैं यहाँ पर सिर्फ कमाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर जनता को सुरक्षा देने के लिए आया हूँ। बता हिजड़ों को किसने किडनैप करवाया? अच्छा ठीक है, अगर मैंने किडनैप किया भी है तो तुम्हारे पास क्या सबूत है? ए, अभय सिंह सबूत के बिना कोई काम नहीं करता। स्वामी सबूत नाच के दिखाओ, ये गा के सुना, अकेली मैं या औरों को बुला।
ताज्जुब हो रहा है, अभी बताता हूँ। जब पहली बार तुम्हें नमक की दुकान पर देखा था तो तुम्हारे टीके पर मक्खियाँ बैठती। मक्खियाँ किसी अच्छी जगह पर नहीं बैठती, गंदगी पर बैठती। और जब वो तुम्हारे टीके पर बैठी तो मुझे शक हो गया। मैं टीका लगाने वाले को भी जानता हूँ और बनाने वाले को भी। वहां पर दुकान लगाने वाले लोगों को तुम्हारे आदमियों ने भगा दिया था और उसकी वजह मुझे बाद में समझ में आई जब मुझे वहां से ये आदमी के शरीर की हड्डियां मिली। जब भी वहां कोई दुकान लगाने के लिए आता तो तुम्हारे लोग उसे वहां से भगा देते थे। हड्डी की तलाश में कुत्ते वहां सूंघते रहते थे, लेकिन हड्डियां किसी के हाथ न लगे इसके लिए तुम्हारे आदमी वहां से सबको भगाते रहते थे। पर इत्तेफाक से मुझे ये हड्डी मिल गई और लैब टेस्ट से ये साबित हो गया कि इंसान की हड्डी। ये इश्तेहार पढ़ो, इसमें साफ साफ लिखा है कि सरकार की जमीन खाली पड़ी है। सरकार की तरफ से वहां पर कोई पहरा नहीं है, लेकिन तेरे आदमियों ने उस जमीन को घेरा हुआ है। पहली बार मेरा शक तेरे टीके को देखकर हुआ था और उसके बाद उस बोट को देखकर मेरा शक और मजबूत हो गया। अच्छे आदमी की सुरक्षा भगवान किया करते हैं, लेकिन बुरे आदमी को वही भगवान सजा देते हैं। तू नहीं जानता सरकारी बोर्ड पर भगवान का नाम नहीं लिखा जाता। अभय सिंह तो बहुत होशियार निकला। सच्चाई का पता करने के लिए अपने असिस्टेंट को हिजड़ा बनाकर तेरे पास भेजा। तू तो गया काम से। गवाह देखना चाहता है, वो देखो। एए, हिजड़ों को यहाँ लाकर तुम मुझसे मजाक कर रहा है? मैंने बहुत सारे केस देखे हैं, बहुत सारे इलेक्शंस भी देखे हैं, और इलेक्शंस में तुम पुलिस वाले हाथ बांधकर खड़े रहते हो और हम वहाँ पर फर्जी वोट डालकर आते हैं। चाहे कितना भी बड़ा इलेक्शन हो, कोई भी खड़ा हो, हम तो सिर्फ एक फोन करते हैं और हारने वाला भी जीत जाता है। रिजल्ट हमारे हाथ में है। ए, पैसे में बहुत ताकत होती है, और अगर पैसा चाहे ना तो सब कुछ बदल सकता है। और पैसे के हिसाब से मैं बहुत ताकतवर हूँ। मेरे पास पैसे की ताकत है तो मेरे पास जनता की ताकत है। तुम पैसों पर इतराते हो तो मैं लोगों के प्यार पर इतराता हूँ। मुझे शांति से काम करने की आदत है। अगर मेरी शांति भंग करोगे ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतने गवाह काफी हैं या और चाहिए तुम्हें? पता नहीं इन लोगों को तुम कहां से पकड़ कर लाए हो और कहते हो गवाह है। अरे ये क्या गवाही देंगे? मैं इन्हें मार दूंगा तो फिर तुम किससे गवाही दिलवाओगे? मैं तुम्हें मुर्दे को गवाह बनाकर दिखाऊंगा। इस अभय सिंह की चाहे गन हो या नजर हो, कभी निशाना नहीं चूकते। ए अभय सिंह, मेरी बात मान लो, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। तुम सांप के मुंह में हाथ डाल रहे हो। ए, इसे समझा रहे, ये जो कर रहा है इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं सांप हूँ सांप, मेरा काटा पानी भी नहीं मांगता। ए, 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 मेरी बात मान ले, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अभी भी तू मेरी बात सुन ले, नहीं तो तू बहुत पछताएगा। ए अभय सिंह रुक जाओ। अब मैं ऑफिस भी नहीं जा सकता, छमिया के घर भी नहीं जा सकता। यही सोच रहा है ना कि ये सब मैं कैसे जानता हूँ? स्वामी को जब भेस बदल कर मैंने तुम्हारे गांव में भेजा था तो मैंने उसके गले में एक कैमरा बांध रखा था। जानते हो उस समय मैंने क्या देखा? उस समय तेरा आदमी कबर्ड में सारे मुर्दों को नमक के बीच छुपा रहा था। नमक का धंधा तो सिर्फ एक दिखावा है, असली धंधा तो ये है तुम्हारा। इन्हें मारकर जमीन में गाड़ देना चाहिए था, मुर्दा घर क्यों बनाकर रख दिया? इसकी एक सीडी बनाकर मैं पहले डिपार्टमेंट को भेज चुका हूँ, वो लोग आते ही होंगे। मुर्दा खराब ना हो उसके लिए तूने नमक में छुपाया, नमक खराब ना हो उसके लिए अचार डलवाए। किसी को पता ना चले इसलिए मैंने केस नहीं बनाया, और तूने उन्हीं मुर्दों को रोकड़े की तरह संभाल के रखा।
एक मुर्दा मिलता है तो 100 केस बनते हैं, या तो सैकड़ों मुर्दे हैं, मेरा क्या होगा? अरे तू क्यों डर रहा है रे? ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, दिमाग से काम ले, ये यहाँ पर अकेला ही है। जो लोग मुझे अकेला समझते उन्हें एक बात बताना चाहता हूँ, स्वार्थी लोगों के बीच अकेला हूँ, गद्दार लोगों के बीच भले ही अकेला हूँ, धोखा देने वालों के बीच में भी अकेला ही हूँ, गलत लोगों के बीच भी अकेला हूँ, पर गरीब जनता और मजदूर लोगों के बीच ना अकेला था और न रहूंगा। प्यार की भाषा तो तू समझा नहीं, अब तेरी भाषा में ही तुझे समझाएंगे, आज तेरी सारी हैकड़ी निकाल देंगे, अब तू यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। ए, दरवाजा बंद कर, ये यहाँ से जिंदा नहीं जाना चाहिए, और इन सबको मारकर नमक बिगाड़ दो। शेरों की लड़ाई नजदीक से नहीं देखनी चाहिए, दूर से देखनी चाहिए। चलो चलो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार नमस्कार। दे दे, आप लोग को देखे बहुत दिन हो गए, कैसी हो तनिषा? आरती कैसी हो? मैं ठीक हूँ साहब जी, आपने हमारी जान बचाई, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार रहेंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी। आप ही ऐसे अधिकारी मिले जिसने हमारी मदद की, अगर आप नहीं होते तो पता नहीं हमारी बहनों का क्या होता। भगवान आपका भला करे सर। ए अभय सिंह, मैं कौन हूँ, मेरा बैकग्राउंड क्या है, ये तो बहुत जल्दी जान जाएगा। ले जाओ इसे। तुम पुलिस वाले होकर पुलिस वाले को अरेस्ट कर रहे हो, तुम्हें बीच सड़क पर मारूंगा तो कोई नहीं बचाने आएगा। हेलो, मैं ईश्वर बोल रहा हूँ सर। अभय सिंह ने हमारे सभी आदमियों को गिरफ्तार कर लिया है, अभी आप कॉन्टेक्ट मत करना। व्हाट्स हिज नेम? अभय सिंह। अभय सिंह, ओके, आई फोन टू आप। मुबारक हो, आप एक बार फिर कामयाब हुए। बॉडी पार्ट्स की स्मगलिंग करने वाले गैंग को पकड़कर आपने फिर से डिपार्टमेंट का नाम रोशन किया। थैंक यू सर। हेलो प्रिया, बहुत जिद कर रही है। बचपन से ही ऐसी है ना, अचानक ऑस्ट्रेलिया जाने की जिद कर रही है। ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम आकर उसे पूछा आखिर बात क्या है। ठीक है, उसे रेस्टोरेंट में लाइए, मैं बात करता हूँ।
ठीक है प्रिया। सिर्फ आप ही मेरे दिल की बात जानते हैं, आप ही मुझे समझ सकते हैं। I will just back। कहाँ जा रही हो प्रिया, संभाल के। हाय आती। अंकल ने ओके कर दिया। ओह माय गॉड, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं हवा में हूँ। It's going to be a great pleasure। देखिए वो कितनी खुश है, आप लोग परेशान मत होइए, वहाँ पर सब कुछ ठीक होगा। परछाई भी साथ छोड़ देती है, लेकिन आपने तो हमेशा उसका साथ दिया है। एक बार मेरे पति ने आपके पापा की जान क्या बचाई थी, आप तो पूरी जिंदगी उसके बदले में जान से भी ज्यादा प्यार दे रहे हैं हमें। हम आपके लिए क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम आपका कर्ज कैसे उतारेंगे? अच्छा हुआ मैंने अंकल से बात करके दादी माँ और मौसी को घर पर ही रोक लिया, वरना यहाँ पर इमोशनल सीन क्रिएट हो जाता। I'm really, really very excited, you know? रिया, अच्छा सुनो, तुम लोग आ रही हो, ये बात तुमने सभी रिश्तेदारों को बता दिया? कल मेल कर दिया था। तो वो तुम्हें एयरपोर्ट पे आके पिकअप कर लेंगे ना? हाँ हाँ जरूर आएंगे। तो फिर प्रिया तुम अंकल लैंड होते ही मुझे फोन करना है, हर घंटे आपको फोन करना है, और फोन कभी स्विच ऑफ नहीं होना चाहिए, यही कहना चाहते थे ना? क्या अंकल आप ही रोज कहा करते थे ना कि सूटकेस में ज्यादा सामान मत भरना, पर आपने अपने दिल में कितनी सारी बातें भर रखी है। बी कूल। पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड टू प्रोसीड फॉर इमिग्रेशन। अंकल अनाउंसमेंट हो गई है, बाय बाय। रिया। ओके प्रिया, ऑल द बेस्ट। या कैलिंगटन स्ट्रीट कहाँ पर है, यही कहीं नजदीक है क्या? नो नो, बहुत दूर है, टैक्सी से जाना पड़ेगा। ओह थैंक यू। यूनिवर्सिटी के बारे में पूछना था। अरे तू भी ना, यूनिवर्सिटी जाकर क्या करना है तुझे? आरती ये जगह बहुत अच्छी है, मेरी एक फोटो लेना। ओके स्माइल प्रिया। अब हम दोनों की एक साथ फोटो हो जाए, आओ। ठीक है, एक मिनट, हाँ फोकस करती हूँ। फोकस नहीं है, बराबर खड़ी हो ना। Excuse me, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? Sure, oh, yeah. लाइए मैं आपकी फोटो खींच देता हूँ। Okay? Thank you. आप थोड़ा नजदीक आ जाइए। हाँ? आ जाइए, ठीक है? हाँ? Hey, यहाँ लाइट ठीक से नहीं आ रही है, बैकग्राउंड भी कुछ खास नहीं है, आप लोग इधर आ जाइए। कम okay, okay. और थोड़ा इस तरफ आइए। ओके ओके, स्माइल से चीज, इजी इजी, परफेक्ट। यू गर्ल्स लुक ग्रेट। आई एम कैरन। Well, I'm Aarti. She's Priya. Hi. कहाँ से आ रही हो? From India. Great country. आप लोग स्टूडेंट हो? Yeah, of course. We are students. Oh, मैं भी स्टूडेंट हूँ। Oh. आजकल टैक्सी का किराया ज्यादा हो गया है, क्या हम लोग शेयर करके चल सकते हैं? Yeah, why not? We'll share. तू भी क्या अनजाने आदमी के साथ आ जा। चल। ड्राइवर कैरेंटिन स्ट्रीट ले चलो। ड्राइवर इनका लगेज उतार दो। ओके लीजिए, आप लोग पहुंच गए। या इट्स कूल, आपसे मिलकर और आपके साथ टैक्सी में आकर बहुत खुशी हुई। इट्स माय प्लेजर। थैंक यू ड्राइवर। हाउ मच? $20। योर मनी। थैंक यू। या वेलकम। आप लोग कौन से फ्लोर पर ठहरी हैं? थर्ड फ्लोर, फ्लैट नंबर 5। या ओके बाय। वैसे आज मेरे दोस्त ने पार्टी रखी, क्या तुम लोग आना चाहोगी? हाँ हाँ हम जरूर आएंगे। ऑल राइट, तो मैं यहाँ आकर तुम लोग को पिकअप करता हूँ। सी यू लेटर। वो कौन है, अभी अभी हम उससे मिले हैं, उसके साथ पार्टी में जाने की क्या जरूरत है? अब इसमें क्या गलत है, हम यहाँ पर ऐसे ही रहे तो हमारे पैसे खर्च नहीं होंगे। टू इंडियन गर्ल्स, कैरेंटन स्ट्रीट, फ्लैट नंबर 5। दिस प्लेस इज नाइस ना? या यू आर राइट। हेलो, मैं एडीजीपी अभय सिंह बोल रहा हूँ। मैडम आज सुबह सिडनी गई हुई 7:30 की फ्लाइट नंबर 3055 लैंड हो चुकी है क्या? यस सर, लैंडेड 3 आवर्स बिफोर। आर यू श्योर? यस सर। ओके
Hey, तेरी कजिन यहाँ पे नहीं दिख रही है। अरे उन्हें लंदन गए हुए तो 10 दिन हो चुके हैं। तूने पहले क्यों नहीं बताया? ये बात तो अंकल से पहले करनी चाहिए थी। छोड़ यार, लाइफ में थ्रिल तो होना ही चाहिए। मेरे माइंड में तो बस कैरन ही कैरन है। वो बहुत हैंडसम है, नहीं क्यों? उससे मिले 5 मिनट भी नहीं हुई है और फंस गई। ओहो, he is my dream boy. हे, ऑस्ट्रेलियन बॉयज रोमांस में तो एकदम खिलाड़ी होते हैं, मैंने ऐसा सुना है। उसने हमें पहली मीटिंग में ही पार्टी के लिए इनवाइट किया है। अब ये बात सच है या झूठ, ये मैं प्रैक्टिकली देखूंगी। ओह कैरन, तेरी बातें तू ही जान। Hey, you just carry on. मैं फ्रेश होकर आती हूँ। हेलो प्रिया। हेलो अंकल। तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैंने तुमसे कहा था ना, जैसे ही वहाँ पर लैंड करो मुझे फोन करना, क्यों नहीं किया? I'm sorry अंकल, इमिग्रेशन सेक्शन में लेट हो गया। नहीं, अब ये मत कहना कि सेल में प्रॉब्लम हो गई थी। इसी बात को सोच करके मैंने तुम्हें इंटरनेशनल सिम कार्ड दिया था। तुमसे ज्यादा देर बात ना होने पर तुम्हारी माँ कितनी परेशान होगी जानती हो ना? अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ तुम कहाँ पर ठहरी हो? वहाँ का एड्रेस बताओ और लैंडलाइन नंबर हो तो वो बताओ। लैंडलाइन नंबर तो मुझे नहीं पता। जरूरी है प्रिया, अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो तुम्हें बुला तो सकते हैं ना। ठीक है, तुम आरती के रिश्तेदारों को फोन दो, मैं उनसे बात करता हूँ। वो वेकेशन में बाहर गए हैं। तो तुमने जाते समय बताया क्यों नहीं? यहाँ आने के बाद ही पता चला। वहाँ जाने के बाद और क्या क्या पता चला? प्रिया प्रिया प्रिया, तुम लाइन पर हो? कोई आ गया है अंकल। कौन है? आरती के रिश्तेदार है क्या? नहीं, वो आरती को मार रहे हैं। वो आरती को मार रहे हैं, सब उसे मार रहे हैं अंकल। अंकल, वो सभी उसे बुरी तरह मार रहे हैं। क्या कह रही हो तुम? अंकल अंकल, आरती को वो लोग उठा के लेके जा रहे हैं। प्रिया लाइन पर रहो। प्रिया प्रिया, मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या तुम फ्लाइट पर किसी से मिली थी? नहीं नहीं नहीं। और एयरपोर्ट पर? नहीं। हम कैरन से मिले थे। चरण, वो कौन है, किस देश का है? हमारे साथ टैक्सी शेयर की थी। ये बताओ, उसे तुम्हारे रहने की जगह पता है? उसी ने हमें यहाँ ड्रॉप किया था अंकल। वो आ रहे हैं अंकल, वो यहाँ आ रहे हैं अंकल। हिम्मत बिल्कुल मत हारो प्रिया। ये बताओ वहाँ पर कितने लोग हैं? 3 या 4, मुझे ठीक से नहीं दिख रहा है अंकल। ये बताओ इस वक्त तुम उस घर में कहां पर हो? बाथरूम के बगल में हूँ। बगल के बेडरूम में जाओ और वहां पर जाकर जल्दी से बेड के नीचे छुप जाओ। अंकल अंकल, आपने कहा वैसे मैं बेड के नीचे छुप गई हूँ। इस वक्त तुम्हें बहुत सावधानी से काम लेना होगा। वो तुम्हारे पास आ रहे हैं, वो तुम्हें भी उठाकर ले जाएंगे। नहीं अंकल, नहीं,
मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे पास अब सिर्फ 10 से 20 सेकंड का समय है और ये समय तुम्हारे लिए बहुत ही खास है। जो भी हो रहा है उसे अच्छी तरह देखकर दिमाग में बसा लो। उसकी हेयर स्टाइल, आंखें, वो लंबा है या छोटा है, उसने क्या पहना है, सब कुछ अच्छी तरह से देख लो और जो भी देखो सब बताओ। ठीक है अंकल। वो तुम्हारे पास आ रहे हैं, डरना मत, उन्हें ध्यान से देखते रहना। हाँ, 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 क्या बातें कर रहे हैं, कौन सी भाषा बोल रहे हैं? ठीक है अंकल। सुनना है, फोन उनकी तरफ करो। अजो दुहेते जेते रोमिंग दिको के ते मार्टिन अजो इस्ते देने एंजे नोसे ते मार्टिन मार्टिन दोस्ता आयो एर्दी ने के ते मन्योरे मार्टिन ने दुहेते लार्गो एन एंगा किवेन ने के मी पार्टे सिग्वार अगे आशे ना मार्टिन अजो इस्ते देने एंजे दोसे ते मार्टिन मार्टिन दोस्ता आयो एर्दी ने के ते मन्योरे लगता है वो चले गए अंकल। अंकल, दादी है, सर पे गोल्ड स्नेक, सारे बदन पर स्टार की टैटू, सीने पर बटरफ्लाई ड्रैगन लीफ डॉट रखा है, वही लीडर लगता है अंकल। ये ठीक है कि मैंने तुम्हें देखा नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। मुझे पता है तुम कौन हो, तू पैसे देने वाला हो या लेने वाला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू सिर्फ इतना बता तेरी डिमांड क्या है। बोलता क्यों नहीं, बोल तेरी डिमांड क्या है, बता क्या चाहिए तुझे। तुझे पैसा चाहिए, हिंदुस्तान के टुकड़े करना चाहता है या आतंक फैलाना चाहता है, बोल तेरा मकसद क्या है। मैं कोई आम पुलिस वाला नहीं हूं, इंटरपोल से स्पेशल पावर मिली हुई है मुझे, अभय सिंह नाम है मेरा, सारी दुनिया पर एक साथ नजर रख सकता हूं मैं। मेरी बात ध्यान से सुन, उन लड़कियों को कुछ भी नहीं होना चाहिए, अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ तो तू चाहे कोई भी हो, चाहे किसी भी देश का क्यों ना हो और चाहे कोई भी भाषा बोलने वाला हो, तेरा कितना भी बड़ा नेटवर्क हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुझे ढूंढ ही निकालूंगा और उसके बाद क्या होगा ये तू सोच भी नहीं सकता। इसलिए मेरी बात मान जा और चुपचाप उन लड़कियों को छोड़ दे। हेलो सर, मैं अभय सिंह बोल रहा हूँ। हाँ बोलो अभय सिंह। सर मुझे तुरंत आपकी मदद चाहिए। हाँ हाँ बोलो ना। सर मैं आपको एक वॉइस मेल भेजने वाला हूँ, सर मुझे ये पता करना है कि वो कौन सी लैंग्वेज में है। Anything serious? हाँ सर, विदेश में मेरे एक दोस्त की बेटी को किडनैप कर लिया गया है। ठीक है तुम तुरंत भेजो। ठीक है सर तुरंत भेजता हूँ। क्या कह रहे हैं आप, आखिर वो कहाँ गई है, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप धीरज से मेरी बात सुनिए, प्रिया को किडनैप कर लिया। क्या किडनैप हो गई है, बाप रे, आप ये क्या कह रहे हैं। मेरे प्रिया, मुझे मेरे प्रिया चाहिए, उसके बिना मैं नहीं जी सकती, आप कुछ कीजिए। इस तरह रोइए मत, धीरज से काम लीजिए। हेलो मिस्टर अभय सिंह। सर मैं आपके फोन का इंतजार कर रहा था। आपके भेजे हुए ऑडियो को लैंग्वेज एक्सपर्ट से एनालाइज कराने के बाद पता चला है वो अल्बेनियन लैंग्वेज है। अल्बेनियन, ये कौन सी लैंग्वेज है? वो लोग इंटरनेशनल टेररिस्ट ट्रिपोलिया से आए हैं, पैसों के लिए काम करने वाले आतंकवादी हैं वो, पैसे के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, इनमें कोई सेंटीमेंट्स नहीं होते। उस देश की पुलिस क्या उन लोगों पर कोई एक्शन नहीं लेती? अभी तक उनके नाम पर कोई भी कंप्लेंट नहीं लिखी गई है। वेल प्लान्ड क्रिमिनल्स हैं ये लोग, घर के काम के बहाने लड़कियां लाकर उन्हें ड्रग एडिक्ट बनाकर प्रोस्टिट्यूट बना देते हैं, वहाँ पर घूमने आई लड़कियों को किडनैप कर लेते हैं और उन्हें बेच देते हैं। और खास बात यह है कि किडनैप की हुई लड़कियों को 96 हाउस में बेच देते हैं। 96 आवर्स में लड़कियों को बेच देते हैं? उनकी बातों में पार्टी पार्टी नाम बार बार आ रहा है, पर इससे कुछ पता नहीं चल पा रहा है। मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ और प्रिया को लेकर ही लौटूंगा।
10. Come and meet me. Good luck. Good luck. Good luck. चलेंगे क्या? $40. Oh, this is too much. Yes, it is too much. I'm Karen. Hi, I'm Jennifer from Sweden. यहाँ टैक्सी का किराया ज़्यादा है. क्यों ना हम शेयर कर लें? Sure. Okay, let's go. Thank you. Please आइए ना. Hey, इंडिया से दो लड़कियाँ आई थी. तूने उन दोनों को किडनैप किया था ना? बोल कहाँ है वो? बता कहाँ है वो लड़कियाँ? आपने मुझे पहले ही नहीं देखा होगा।
मैंने आपको स्कॉटलैंड यार्ड में ही देख लिया था। उस ट्रेनिंग के बाद हम पहली बार मिले हैं, फिर भी आप मुझे पहचान गए। मैं तभी समझ गया था कि आप चेन्नई से हैं। I see. I'm working in Australian Federal Police. इसीलिए तो आपकी मदद मांगने आया हूँ। One more thing. Intelligence force आप पर नजर रखे हुए हैं। Intelligence force को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने क्या गलती की है जो मुझ पर नजर रखी जा रही है? गलती नहीं की। एयरपोर्ट एंट्रेंस में आते ही एक को मारा। If anybody else would have done this, they would have shot him. You have broken the law, country's law. What is your problem? आपकी समस्या क्या है? भारतीय नागरिकों को यहाँ परेशान किया जा रहा है। पढ़ाई के लिए आई हुई लड़कियों को किडनैप करते हैं। अभी रिसेंटली ही मेरे दोस्त की बेटी को किडनैप किया गया है। क्या कह रहे हैं आप? ऐसा हो ही नहीं सकता। गुनाह करने वाले आपके डिपार्टमेंट में आकर के ये कभी नहीं कहेंगे कि उन्होंने गुनाह किया है। किडनैपर को इतने बड़े शहर में हम कैसे ढूंढ सकते हैं? मैंने ढूंढ लिया है। इतनी जल्दी? किडनैपर अल्बेनियन है। आर यू श्योर? यस, मुझे उनके बारे में पूरी जानकारी चाहिए। ईस्टर्न कंट्री से ये पेट भरने के लिए आए। ये 4-5 साल पहले 50-100 की संख्या में थे, आज हजारों से ज्यादा बढ़ गए हैं। फॉर मनी दे विल डू एनीथिंग। दे आर एक्सट्रीमिस्ट, दे डोंट बॉदर अबाउट एनीथिंग। हमारे पास 96 आवर्स का समय है जिसमें से 18 घंटे बीत चुके हैं। आपको कोई भी मदद की जरूरत हो तो मुझे याद कीजिएगा। दिस इज माई कार्ड। अभी तो मुझे आपसे सिर्फ एक मदद चाहिए। ये बताइए कि वो अल्बेनियन मुझे कहाँ पर मिलेंगे? आई थिंक शैडो गार्डन स्ट्रीट। शैडो गार्डन स्ट्रीट, ओके, बाय सर। हाय डार्लिंग, फोन फॉर यू। हाय जेनी स्वीटी, हु इज दैट? हेलो। ये बताओ, इंडिया से अभय सिंह आया है ना? यस, वो बहुत ही पावरफुल आदमी है। तो फिर उसकी पावर निकाल दो। दूसरों की तरह हमें इसे आम आदमी नहीं समझना चाहिए। तुम्हारा मतलब क्या, हम उसे छोड़ दें? ओके, मैं उसे मिसगाइड करता हूँ। अगर काम नहीं हुआ तो मैं तुम्हें मिसगाइड कर दूंगा। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसा आप चाहते हैं वैसा हो जाएगा। आप मुझ पे भरोसा कीजिए। तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। नो, यू आर अनलकी। यू आर मिस्टर थॉमसन? मिस्टर अभय सिंह। गेट इन। थैंक यू सर। सर, आई सॉ योर एडवर्टाइजमेंट ऑनलाइन, यू नीड सम ट्रांसलेटर बॉय। हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू नो? आई कैन स्पीक 40 languages, जापानीज, फ्रेंच। स्टॉप, यू नो हिंदी? बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तो पहले से हिंदी में बात करनी चाहिए थी ना। ये बताओ, ट्रांसलेशन करने का कितना चार्ज लेते हो? एक घंटे का $50 लेता हूँ सर। वैसे आप जो इसमें कितने डॉलर हैं पता नहीं, लेकिन फिर भी रख लो। सर, मैंने तो आपका अभी तक कोई काम नहीं किया है और आप मुझे इतने पैसे दे रहे हैं, मुझे करना क्या होगा? अभी तुम्हारा एक ही काम है, यहाँ वेट करना। ओके ओके सर। You need a company? क्या तुम मुझे पसंद करते हो? तुम करो या ना करो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। रेगुलरली मैं एक रात का $100 लेती हूँ। It's okay for you? What you mean by regularly? मैं तो खरीदने आया हूँ। लेकिन तुम ऐसे नहीं दिख रहे हो कि मुझे खरीद सकते हो। Believe me, मैं तुम्हें खरीदने के लिए आया हूँ। अच्छा ये बताओ, इसके लिए मुझे किससे बात करनी पड़ेगी? अगर तुम ऐसी बातें करोगे तो इससे मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम? और वो भी मुझसे? तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये बताओ इसके लिए मुझे किससे मिलना होगा? No, get lost. रुको बेबी, अभी हमारी डीलिंग खत्म नहीं हुई है। I'm losing my money. मेरे सारे कस्टमर चले गए हैं। मेरी वजह से जो भी लॉस होगा मैं भर दूंगा, मुझ पर भरोसा करो। My God. मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें खरीदने आया हूँ। बॉस, मुझ पर भरोसा करो, मैंने कोई गलती नहीं की। ये आदमी कौन है तू? इस लड़की को क्यों परेशान कर रहा है? ए, तू जाके अपना काम कर। ये लड़कियां ही मेरा धंधा है, तेरी वजह से मेरा टाइम लॉस हुआ, मनी लॉस हुआ। चल चुपचाप पैसे निकाल। मैं तुम्हें किस काम के पैसे दूंगा? तेरी वजह से मेरा लॉस हुआ, उसकी भरपाई तुझे ही करनी होगी।
रुको रुको, अगर तूने मेरे से पंगा किया ना, कूल डाउन, अगर तूने पैसे नहीं दिए तो तू यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। गिनता क्या है, चल जा यहाँ से। तुम्हें ठंड में पसीना क्यों आ रहा है? सर, मैं तो आपको एक नॉर्मल टूरिस्ट समझ रहा था, लेकिन आप कुछ और ही निकले। आप हैं कौन? तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम्हें ये सब जानने की जरूरत नहीं है। सुनो, इसमें क्या कहा गया है मुझे हिंदी में बताओ। हाँ सर। विलियम आज कुछ नुगिरदीन बेंडिंटन तेरा इबार गिबू डिकुशके बाइन जार्ज इस्ते हिर निमिनी अडिच आइन टुवानी द्वारजन मेमे सुडुहेट अटबाइस जी सुमी। क्या कह रहा है सर? कोई भी क्लियर बात नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है वो आपके बारे में बात कर रहे हैं। सर, आप इसे ट्रांसलेट क्यों करवाना चाहते हैं? तुम्हारा काम सिर्फ ट्रांसलेशन करना है, समझे? आपकी वजह से उसके धंधे में लॉस हुआ है। वो कह रहा है आपको जिंदा नहीं छोड़ेगा। अगर उसके बॉस को पता चल गया तो बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है, सभी लोग फंस सकते हैं। वो कह रहा है फंक्शन एरिया जाना होगा, वहाँ कोई नई लड़की आई है और उसे तुरंत डिस्पोज करना है। तुम्हारा काम पूरा हो गया, अब तुम जा सकते हो, जाओ। ओके सर। मिस्टर थॉमसन, ऐसी कोई डिक्शनरी है क्या जिससे अल्बेनियन से इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया जा सके? हाँ सर, है ना सर, अभी देता हूँ। ये लीजिए सर। थैंक यू। वेलकम। तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो फिर से बुला लूंगा। जी सर। लाला पैसे ला, चल जल्दी, चल जो। ए, तू जल्दी वहां जा, वहां का ध्यान रख। हेलो ला, कलेक्शन कितना हुआ? इतना कम क्यों हुआ? फोकट की खाता रहता है। ए, लाओ माल निकालो जल्दी, चलो जल्दी, चलो चलो जल्दी आगे बढ़ो। लाओ लाओ तुम्हारा लाओ, चलो चलो चलो। Did you get this? ये तुम्हें कहाँ मिला? I have got. ये तुम्हें कहाँ से मिला? I have got. किसने दिया ये तुम्हें? बताओ किसने दिया? बोलती क्यों नहीं? किसने दिया ये? बोलो जल्दी बताओ, जल्दी। I have got. Go!
मेरे साथ ही इसने ट्रेनिंग लिया था और ये तो मुझसे ही पंगा ले रहा है। इसको मैं अच्छा है, आज जन्मदिन है इसलिए कह रहे हूँ कि पास के गणपति मंदिर चलो तो नहीं चल रही है। हमारे लिए तो यही भगवान है, इसके लिए मंदिर जाने की क्या जरूरत है। चांद तारों की उम्र तुझे लग जाए, दुआ मेरी खुदा से यही है। हम सब की उम्र तुझे लग जाए, ये सपना हमारा प्यारा है। हाँ मुझे झूठ बोले से ना चिढ़ाओ, जानती हूँ सारी बातें मुझे ना बताओ। दिल को हमारे तुम पूछ के भी देखो, मन को हमारे तुम जान के भी देखो। छोटी चिड़िया हमारी प्यारी है, कैद है तू दिल के पिंजरे में। एक दिन तू उड़ जाएगी दुलारी, नजर नहीं आएगी नैनों में। आंगन तुमसे तू तु प्यारा फूल है, कोमल फूल हूँ मैं, क्यों टूटने देते हो। रस में है बनी ऐसी, सदियों से चलती आई, जिन पे सबको चलना पड़ता है। तारों की उम्र तुझे लग जाए, दुआ मेरी खुदा से यही है। हम सब की उम्र तुझे लग जाए, ये सपना हमारा प्यारा है। में बसती है तू, कैसे समझाए तुझको। हमेशा मन में रहूं, भुला न देना मुझको। खुशियों से जो नाता है हमसे मिलने आता है, किस्मत में भी लिखा मिलना है। तारों की उम्र तुझे लग जाए, दुआ मेरी खुदा से यही है। एक दिन तू उड़ जाएगी दुलारी, नजर नहीं आएगी नैनों में।
मिस्टर अभय सिंह, एक काम कीजिए, आप तुरंत गोल्डन पार्क में आइए। जिस लड़की को आप ढूंढने आए हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलिए, ओके? हेलो मिस्टर अभय सिंह, आप कहाँ हैं? मुझे आप दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन मैं आपको देख रहा हूँ। मुझे देखने की कोई जरूरत नहीं है। आपके आसपास लोग जॉगिंग की एक्टिंग कर रहे हैं ना, मैं जानता हूँ कि वो डिपार्टमेंट के लोग हैं। उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहिए। Hey, stop. Just go. You are very intelligent, Abhay Singh. आपने क्या सोचा था कि मैं सीधे सीधे आकर आपसे मिलूंगा? आपकी वजह से प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। यस, प्रॉब्लम है, लेकिन गलत लोगों को। आप समझने की कोशिश कीजिए। मेरी प्रिया अभी तक नहीं मिली है, पर उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बस हुआ भाई सिंह, तुम्हारी वजह से लीगल प्रॉब्लम हो रही है। चार लोग हॉस्पिटल में एडमिट है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को काफी नुकसान पहुँचा है। तुम्हारी इस गलती की वजह से तुम्हें लोकल गुंडे की तरह ट्रीट करने को कहा गया, पर मैंने उन्हें मना कर दिया है। तुम कहाँ हो? देखो तुम्हारा फ्लाइट का टिकट भी रेडी है। कहाँ हो तुम अभय सिंह? फ्लाइट टिकट कैंसिल करके उसका पैसा अपने पास रखो। अभय सिंह, तुम सरकार से लड़ रहे हो। ये तो मेरी आदत है सर। अब प्रिया को बचाने के लिए सिर्फ 46 आवर्स बचे हैं। नहीं, ये बेकार की बातें करने का समय नहीं है, क्योंकि इस समय हमारे पास सिर्फ 38 घंटे बचे हैं। बहुत समझदार हो। मुझे कोई कंफ्यूज नहीं कर सकता। तुम बच नहीं सकते भाई सिंह। मुझे प्रिया को बचाना है और मैं बचाऊंगा। तुम्हें चाहे जो कुछ भी करना हो तुम कर सकते हो, लेकिन मैं प्रिया को लेकर ही जाऊंगा। सर, हमने जगह को घेर लिया है। सर, हम लोग ऊपर जा रहे हैं। सर, हम लोग ऊपर पहुंच गए हैं। सर, ढूंढो उसे, चारों तरफ ढूंढो। ड्यूरो, यू फाउंड हिम? सर, वो हमें बेवकूफ बनाकर भाग गया। वो बहुत तेज है सर। सर, उसने अपने फोन को वॉकी टॉकी से जोड़कर हमें बेवकूफ बनाया। सर, I couldn't make it. I was waiting for you, Dad. Yeah. Karen, what happened? I have to go. Why? Karen! Thank you.
मुझे मत मारो, भरोसा करो, मैं फ्रेंच कंट्री का हूँ। लड़कियों के बारे में खबर देने पर मुझे पैसा देते हैं वो लोग। एयरपोर्ट से पिकअप करके उनको खबर दे देता हूँ और मुझे पैसे मिल जाते हैं। इंडियन लड़कियों के बहुत पैसे मिलते हैं। किसको खबर दिया करते हो तुम? कौन है वो आदमी, बताओ कौन है? बोल, बताता है या नहीं? माइक एडरसन सर, माइक एडरसन। माइक, वो मुझे कहाँ मिलेगा? I don't know, sir. मुझे सिर्फ पैसे मिलते हैं, मैं उसे कभी नहीं मिला, कोई भी उसे नहीं देख सकता। मेरा भरोसा कीजिए, प्लीज प्लीज बिलीव मी। डोंट वरी, हाँ, डरो मत। देखो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। मैं इंडिया का पुलिस वाला हूँ। मैं भी इंडिया की ही हूँ सर। मैं तुम्हें उस खतरनाक जगह से निकाल कर लाया। बहुत दर्द हो रहा है सर। तुम्हें दर्द का एहसास ना हो, इसीलिए तो एंटीबायोटिक दिया है। उन लोगों ने तुम्हें ड्रग के बहुत ही हैवी डोज दिए थे। थोड़ा सा सहन करना पड़ेगा, प्लीज। Are you all right? मुझे तुमसे सिर्फ एक जानकारी चाहिए। ये जैकेट तुम्हें कहाँ से मिली? हाँ, बोलो। ये तुम्हारे पास कहाँ से आई? मेरा नहीं, किसी और लड़की का है। वो लड़की कहाँ पर है, बता सकती हो? पता नहीं सर, वो कहाँ है। अच्छा, तुम उस लड़की को पहचान सकती हो? एक मिनट रुको। देखो, ये लड़की वही है क्या? हाँ सर, ये वही है। इसने मुझे कोट ओढ़ाया था। ये लड़की तुम्हें कहाँ पर मिली थी, बताओ। उसी घर में सर। किस घर में देखा? दरवाजे पर लाल बोर्ड टंगा था। लाल बोर्ड वाला दरवाजा। ये घर कहाँ पर है? कैरन हमें वहाँ ले गया था सर। कैरन? वहाँ बहुत कुछ हुआ, टेंस मैनर। हेलो, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे तुम्हारे बॉस से मिलना है। यहाँ कोई बॉस नहीं है। He has come from the police department. हम यहाँ कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। सारे अपराधियों का पहला बयान यही होता है। अगर मैंने इसका एक बटन दबा दिया तो इंटरनेशनल पुलिस इस पूरी की पूरी बिल्डिंग को एक सेकंड में ध्वस्त कर देगी। तुमने मेरा वक्त बर्बाद किया तो इस बिल्डिंग में एक भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा। ठीक है, तुम्हें यहीं रुको। Hey, तुम्हारे पास कोई हथियार है क्या? नहीं, कुछ नहीं, मेरा विजिटिंग कार्ड ही मेरा हथियार है। ओके, कम।
What do you want? मैं यहाँ आप लोगों से रेड की बात करने के लिए आया हूँ। हम इसके बारे में पहले ही मास्क से बात कर चुके हैं। मास्क यहाँ से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो गया है, उसकी जगह पे मेरी पोस्टिंग हुई है। मैं आप लोगों से क्या चाहता हूँ ये मैं आपको अच्छी तरह समझा सकता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनिए। ब्लैक कॉफी बहुत अच्छी है। हम लोग आप सब पर सैटेलाइट से नजर रख रहे हैं। आप लोगों के एक एक पल की खबर हमारे पास होती है। आप लोग आपस में क्या क्या बातें करते रहते हैं उसकी भी पूरी खबर होती है, सब जानते हैं हम लोग। तुम्हें पकड़ने के लिए जितना पैसा खर्च होगा उतना ही पैसा मैं तुम लोगों को ना पकड़ने के लिए चाहता हूं। तो क्या कहते हैं, मिलेगा मुझे? अच्छा पहले ये बताइए कि आप लोगों में से मार्टिन कौन है? तुम क्यों मालूम करना चाहते हो? क्योंकि मुझे पता चला है कि मार्टिन ही खास आदमी है। यहाँ सभी खास हैं, सबके नाम मार्टिन हैं। मुझे वो मार्टिन चाहिए जो ट्रिबोलिया से आया है। हम लोग सभी ट्रिबोलिया से ही आए हैं। अगर तुम लोग खेल खेलना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं भी इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन तब इसमें 10% बढ़ जाएगा। हम यहाँ कमाने के लिए आए हैं, ये समझकर हमें डराना नहीं। कानून हम लोग भी जानते हैं। हो सकता है कि तुम लोग कानून के जानकार हो, लेकिन वो मेरी जिंदगी है। मैं तुम्हें कानून से बचा सकता हूँ और चाहूं तो फंसा भी सकता हूँ। क्या समझे? बताओ, किडनैपिंग, प्रोस्टिट्यूशन, स्मगलिंग, यही तीनों तुम्हारे मुख्य धंधे हैं ना? लेकिन अब मेरी एक बात तुम सब लोग ध्यान से सुनो। तुम लोग यहाँ पर कमाने के लिए आए हो ना? यहाँ पर दी गई आजादी का गलत इस्तेमाल करते हो, लेकिन मैं तुम्हारा कुछ ना करूं इसके लिए तुम्हें मुझे परसेंटेज देना होगा। हाउ मच? मुझे 20% चाहिए। इस साल परसेंटेज नहीं बढ़ाऊंगा, इस बात का मैं तुमसे वादा करता हूं। कम से कम एक साल तो बिल्कुल नहीं। चक्कर को तुम्हारी भाषा में क्या बोलते हैं बताएंगे? चेशा। चेशा, हाँ। तुम लोगों ने अपने धंधे के लिए सही इन्वेस्टमेंट किया है। अगले हफ्ते मिलता हूँ, ठीक है? मेरे दोस्त ने कुछ लिख कर दिया है अल्बेनियन भाषा में, क्या इसे ट्रांसलेट करके बता सकते हो? क्या आप इसे पढ़ेंगे? सीने पर बटरफ्लाई ड्रैगन लीप डॉट रखा है, वही लीडर लगता है अंकल। या तो तुमने पहचाना नहीं या शायद तुम्हें याद नहीं है, हम दो दिन पहले एक दूसरे से बात कर चुके हैं। मैं हूं अभय सिंह, पूरी दुनिया पर नजर रखता हूं। मैंने कहा था ना, दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। आंख खोलकर देखो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। मैंने अपना वादा पूरा किया। Oh!
गुड लक कहने का हक सिर्फ तुझे ही नहीं है रे, मैं भी गुड लक कह सकता हूं। तूने मुझे गुड लक कहा, वो तेरे लिए बैड लक बन गया। मैं क्या यहां घूमने के लिए आया हूं? इंडियन पुलिस हूं, अगर मैं चाहूं तो अंधेरे में परछाई को भी ढूंढ सकता हूं। ए, अपने देश की पुलिस का रिकॉर्ड ढूंढ कर देख, उसमें लिखा होगा कि अभय सिंह की ना तो नजर चूकती है और ना निशाना। मैं रास्ते से भटकता नहीं हूं, भटके हुए लोगों को रास्ते पर लेकर आता हूं। ये लड़की कहाँ है? बता कहाँ है? बता कहाँ है ये लड़की? ए, गुनहगार के मुंह से सच्चाई उगलवाने के लिए उसके नाखूनों को निकालना या उसके शरीर पर तेजाब डालना, ये सब पुरानी बातें हो चुकी हैं। इसे शॉक ट्रीटमेंट कहते हैं। 3 पीढ़ियों तक की सच्चाई उगलवाने की ताकत है इसमें, समझे? हमारे यहाँ तो फिर भी पावर कट हो जाता है, लेकिन तुम्हारे यहाँ तो 24 घंटे बिजली रहती है। कहाँ है ये लड़की? बोल, where is this girl? Tell me, come on, tell me. ने उस लड़की को बेच दिया। बेच दिया? तीसरी ग्रेड की लड़कियों को कंस्ट्रक्शन एरिया में बेच देते हैं। सेकंड ग्रेड को हम पर्सनल कस्टडी वालों के हवाले करते हैं। फर्स्ट ग्रेड लड़कियों को, खासकर वर्जिन इंडियन लड़कियों को, खास लोगों को बेच देते हैं। वी सोल्ड हर टू वन मैन। कौन है वो? कम ऑन टेल मी, कौन है? बोल बोल। माइक एंडरसन। माइक एंडरसन। माइक एंडरसन कहाँ मिलेगा वो? आई डोंट नो। तू नहीं जानता? नहीं, मैं नहीं जानता, नहीं जानता। किसी ने नहीं देखा उसे आज तक, किसी ने नहीं देखा। मैंने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, किसी ने उसे नहीं देखा। क्या कहा? उसे आज तक कोई भी नहीं देख पाया है? ठीक है, उसे देखने की जरूरत भी नहीं है तुझे। देखेगा तो तब जब बचेगा। राख कर दूंगा तुझे। Let me know everything. How was your day? I love it. No. ये सब बाद में। Why? आपका दोस्त डार्निंग हॉल में इंतजार कर रहा है। चलो चलो जल्दी चलो। काम कर। मिस्टर अभय सिंह, आप? मुझे देखकर आश्चर्य हुआ। सोचा भी नहीं था कि आप इस वक्त। जब कोई सोचता है कि मैं कहीं नहीं पहुंच पाऊंगा तो वक्त उसे गलत साबित कर देता है। डेफिनेटली, आप सही कह रहे हैं। जेनी डार्लिंग,
ये मेरा खास दोस्त है, इसे इंडियन खाना बहुत पसंद है। He likes only Indian food. Ah, I know he likes Indian food. उनसे मैंने पहले ही पूछ लिया था उन्हें क्या पसंद है और उनका सारा मन पसंद खाना प्रिपेयर किया है। पहले आप फ्रेश होकर आइए, जस्ट वेट कर रहे हैं। गो 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 फास्ट। आपको सुराग मिला क्या? लगता है तुम्हें यकीन था कि मुझे सबूत नहीं मिलेगा। नो 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 नो, नॉट फॉर दैट। वो लड़की प्रिया से बहुत प्यार करते हैं। आई आस्क्ड ओनली फॉर दैट, नथिंग एल्स। या ये 10th रोड पर जो प्रिंस एवेन्यू है उसमें और आपके डिपार्टमेंट के लोगों में कुछ संबंध है। वहां पर जो एक्टिविटीज चल रही है मैं उम्मीद करता हूँ कि उसमें आपका हाथ नहीं होगा। व्हाट नॉनसेंस, ये क्या कह रहे हैं? यू डोंट वरी, आई विल हैंडल इट, यू प्लीज रिलैक्स। अभय सिंह, सभी लोग अपनी अकल और होशियारी से ही काम करते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी दुनियादारी भी चाहिए, जिसे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। आप ऐसा मत सोचिए कि आपकी तरह सभी लोग ईमानदार हैं। आप सिर्फ खुद को देखिए, दूसरों को सुधारने की कोशिश मत कीजिए। सी जेंटलमैन, योर राइट इज माई लेफ्ट। मैं पैसा कमाने के लिए कभी जाता नहीं, पैसा खुद चल के मेरे पास आता है। अगर मेरा नुकसान ना हो तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। बोलिए, आपको क्या मदद चाहिए? मदद मांगना मैं नहीं जानता, बल्कि मदद करना मेरी आदत है। मुझे तो सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए। इंडियन स्टूडेंट्स के खिलाफ कौन दंगे फैला रहा है? मेरी प्रिया को किसने किडनैप किया है? उन लोगों को तुम अच्छी तरह जानते हो, ये मैं पार्क में ही समझ गया। बताओ कौन है वो लोग? क्या नहीं जानते ये मत सोचो, ये सोचो जो जानते हो वो कैसे बताना है। बोलो कौन है वो लोग? बोलो कौन है वो लोग? वो लोग चाहे जो भी हो, तुम यहाँ से पहले बाहर निकलो। अबूल, इतनी जल्दी भी क्या है? मैं तुम्हारे घर मेहमान बन के आया हूँ, मुझे तुम्हें एक तोहफा देना चाहिए ना। ये ज्यादा कमाई के चक्कर में पड़ोगे तो यही होगा। लोडेड गन में और बिना लोड की हुई गन में क्या फर्क है? इतना भी नहीं जानते तो ट्रेनिंग कैसे पूरी की तुमने? जानी, जानी। अभी तो सिर्फ हाथ पे गोली मारी है, लेकिन अगर सच नहीं बोला तो सिर पे भी गोली मार सकता हूँ। बोल कौन है वो लोग? कौन है वो लोग? बोल कौन है वो लोग? कौन है जो हमारे देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं? क्रिमिनल माइक एंडरसन। लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। देयर विल बी अ बिग सेलिब्रेशन आफ्टर द ऑक्शन। जब चाहे जी के फिर देखो ना, सुकून मिल ही जाएगा। खुशियों की जो भी वो बातें करेंगे हम, रास्ता मिल ही जाएगा। नदी सा वो बहे आगे भी जो बढ़े, बढ़ता ही वो जाएगा, कभी नहीं रुकेगा। See a fresh American girl, the auction has started, $20,000 for this beautiful girl. Jina ho jab chahe ji ke phir dekho na, sukoon mil hi jayega. I'm gonna get my friend, I'm still strapped my friend, my 17 rounds watching my back, my friend, you know the tag, my friend, they on your back, my friend, where you gonna be if you double step the pack, my friend? I keep it real, my friend, but I'm gonna steal, my friend, you buy they hate niggas and you kill, my friend, big money deals, my friend, flexing my skill, my friend. कोशिशों को रोका तो रुक वहीं जा।
This is an another beautiful girl from Italy. $20,000. मकसद भी है अपने जीने का कुछ तो यहाँ साथियों वादा किया है पूरा करे से आगे बढ़ो साथियों जीना हो जब चाहे जी के फिर देखो ना सुख मिल ही जाएगा सिंह आईपीएस फर्स्ट रैंक पुलिस ऑफ इंडिया। अभय सिंह आईपीएस हिंदुस्तान का जाना माना ऑफिसर। क्या देख रहे हो अभय सिंह, गांव में कमाना हो तो गांव की लैंग्वेज काफी है, और अगर सारी दुनिया में धंधा करना हो तो सारी भाषाओं की जानकारी बहुत जरूरी है। मैं एक इंटरनेशनल व्यापारी हूं अभय सिंह, पार्लियामेंट में बॉम्ब रखता हूं, फ्लाइट्स को हाईजैक कराता हूं, टेररिस्ट को भी सप्लाई करता हूं, इंसानों को काट कर उनके पार्ट्स भी बेचता हूं, जवान लड़कियों को उठाकर प्रोस्टिट्यूट बनाता हूं। तुम सिर्फ एक ही रास्ता जानते हो, लेकिन मुझे यहाँ के सारे शॉर्टकट्स पता है। टेलीफोन पे हुई बातचीत को पहचान कर बिल्कुल सही स्केच बनाकर जैसा कहा था वैसा ही किया, बिल्कुल ठीक जगह पहुंचकर। तुम सचमुच कमाल के हो, यू आर फैबुलस। अगर तुम यहाँ पैदा होते तो तुम्हें डॉलर्स में तौल देता, मगर मैं क्या करूँ अभय सिंह, तुम्हारा बैड लक कि तुम इंडिया में पैदा हुए। इंडिया का नाम अपनी जुबान पर मत ला, तू इस लायक नहीं है। इंडिया के बारे में सुन के गुस्सा आया ना, वैसा ही गुस्सा दूसरे देशवासियों को भी आता है। अंतरिक्ष में सारी दुनिया के लोग गए, चांद पर पानी हो सकता है, ये बताने वाला भी तुम्हारा देश इंडिया ही है। स्पेस में जाकर कामयाबी हासिल करने वाली कल्पना चावला तेरे देश इंडिया की ही है ना, नोबेल प्राइज विजेता वेंकट रामा कृष्णन, वो भी इंडिया का ही है। विश्वनाथन आनंद, वर्ल्ड नंबर वन चेस प्लेयर, तुम्हारे देश का ही है। सारे देश के क्रिकेटर्स अपना बैट और बॉल लेकर तुम्हारे देश में ही भागते हैं बिकॉज ऑफ आईपीएल। पैसे की तो धूम है तेरे देश में, खूबसूरती में आगे, तुम्हारे देश की ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, फ्रीदा पिंटो जीत रही है इंडियन स्टूडेंट्स। कहीं भी पढ़े तो
उस देश के स्टूडेंट्स को पीछे छोड़ के नंबर वन बन जाते हैं। आईटी फील्ड में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में नंबर वन बने हुए हैं। भूख से मरने वाले इस देश की ये हालत कैसे है? शिकार के लिए शेर कितना भी तेज दौड़े, लेकिन जान बचाने के लिए भागने वाले हिरन से तेज नहीं दौड़ सकता, समझे? धीरज, आत्मविश्वास, हिम्मत, ये तीनों चीजें हमेशा सबसे ऊपर रहेंगी, जो तुझ में नहीं है। इसीलिए मैंने तुम्हारे यहाँ के स्टूडेंट्स को बंद करके रखा है। नॉर्मल क्रिमिनल्स को यूज करने से किसी को भी शक हो सकता है, इसीलिए मैंने केविन को स्टूडेंट बनाकर अपना जाल फैलाया, लड़कियों को किडनैप कराया, लेकिन तुमने 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 उसे भी ढूंढ निकाला और मैंने उसे शूट कर दिया। मेरे धंधे को सपोर्ट करने वाला एक ही गवर्नमेंट ऑफिसर था और वो था पुलिस ऑफिसर फ्रैंकलिन विलियम्स। उसको भी मैंने खत्म कर दिया। अभय सिंह, तेरी वजह से मेरा लेफ्ट हैंड अल्बेनियन प्रिंस भी मारा गया। तेरी वजह से मुझे बहुत लॉस हुआ है, टाइम लॉस, मनी लॉस, आई लॉस्ट एवरीथिंग बिकॉज ऑफ यू। आई एम एन इंटरनेशनल किंग, तेरे देश के सारे राज्यों में मेरा बिजनेस फैला हुआ है। आदमियों के पार्ट्स काट कर मैं तेरे गांव में भी बिजनेस कर रहा था, लेकिन तूने मेरे पार्टनर को वहां अरेस्ट करके वहां भी मेरा बिजनेस कोलैप्स कर दिया। मैंने तुझे वहीं खत्म करने का फैसला किया था, लेकिन वहां तेरे पास कोई नहीं पहुंच सकता क्योंकि वहां तेरे पास लोक शक्ति है, मुझे पता चला, इसीलिए तुझे छोड़ दिया। जो किसी भी ताकत के सामने नहीं झुकता है वो प्यार के सामने झुकता है, ये मैं जानता था, इसीलिए तेरी भांजी को मैंने किडनैप कर लिया उसकी वर्जिनिटी के लिए। आई कैन गेट डॉलर्स और इससे मेरी कमाई भी हो जाएगी और मेरा तुझसे बदला भी पूरा हो जाएगा। तेरे ये सारे प्लान समझने के लिए ही मैं शांति से अभी तक ये सब कर रहा था। याद रख, मेरा सिर तेरे सामने कभी नहीं झुकेगा और प्रिया को बचा के रहूंगा। इट्स नॉट पॉसिबल अभय सिंह, आज हुए ऑक्शन में तेरे प्रिया की बहुत ज्यादा कीमत मिली है। तूने तो खुद ही देखा था ना, ये अल्बेनियन बिजनेस कुछ अलग टाइप का बिजनेस है। एक बार वो माल खरीद लेते हैं तो वो उसे किसी कीमत पर वापस नहीं करते। उससे मैं निपट लूंगा। तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ये जगह मेरी है। ए, जगह भले तेरी है लेकिन टाइम अभी मेरा चल रहा है। क्या बात है, मेरी जगह आकर मुझे ही धमकी दे रहे हो? मर्द हमेशा सामने से ही मुकाबला करते हैं। जो कुछ मैं कहूँ तू नहीं मानेगा। किसी ने आज तक मुझसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, आज तेरी आवाज खत्म कर दूंगा। इसे खत्म कर दो, तेरी प्रिया का खरीदार मेरा वेट कर रहा है। गुड बाय। मैं दुनिया के पीछे घूम रहा था और आज दुनिया मेरे पीछे घूम रही है। तो तू यहां भी आ गया। मैं चाहता था कि तेरी मौत मेरे सामने ना हो, बट इट्स योर चॉइस, बट नो चॉइस। Oh!
प्रिया चिंता मत करो, मैं इंडियन पुलिस वाला हूं, तुम लोगों को बचाने आया हूं। चिंता मत करो, आओ मेरे साथ चलो। हम यहाँ पढ़ने के लिए आए थे, लेकिन गुंडों ने हमें यहाँ बंद करके रखा है। हमें बचा के बहुत बड़ा उपकार किया सर। ये तो मेरा फर्ज था, सरकार की मदद से तुम लोग पढ़ाई कंटिन्यू करो, मैं तुम लोगों के साथ हूँ। वेलकम वेलकम, थैंक यू। वाले टेररिस्ट को खत्म करके एक बार फिर देश विदेश में अपने नाम का झंडा गाड़ चुके हैं पुलिस ऑफिसर अभय सिंह। फिर से लोगों की भलाई के काम में लग चुके हैं अभय सिंह। काम काम और काम ही उनकी पूजा है और काम ही उनकी जिंदगी है। जा नाम तेरे कर जावा, तेरे सदके पे मैं जावा, वीर बोले मातृभूमि पावा। जा नाम तेरे कर जावा, तेरे सदके पे मैं जावा, वीर बोले मातृभूमि पावा। लाए क्रांति देश की खातिर, जिसे हमको लाना है, शामिल सबको करना है, अब चाहे मर मिट जाना है। तेरे सदके पे मैं जावा, वीर बोले मातृभूमि पावा। जा नाम तेरे कर जावा, तेरे सदके पे मैं जावा, वीर बोले मातृभूमि पावा। हमसे ना टकराएंगे जब एक हम हो जाएंगे, मिलजुल के जो रहने लगे तो जीत ना वो पाएंगे। रोज रोज रक्त से जो नाता अपना हो गया है, समर भूमि सा देश अपना जाने क्यों हो गया है। होश में हम आ जाएं तो जुर्म ना हो पाएंगे, डर से फिर वो अपने कहीं ना छुप पाएंगे। आवाज लगाओ दिल से, हिंदुस्तान हमारा है, रक्त बहा दे इसके लिए, ये देश हमारा है।